की बड़ी खबर, देहरादून के डोईवाला में गुलदार का आतंक, सभासद ईश्वर रोथान पर किया गया हमला, मौके पर पुलिस वन रेंज के अधिकारी पहुंचे, गुलदार को पकड़ने के लिए शुरू हुआ रेस्क्यू ऑपरेशन, टीम के लोगों से अपील ना हो पैनिक। तो देहरादून में गुलदार का आतंक देखने को मिला है, जिसने सभासद ईश्वर रोथान पर हमला किया है। मौके पर पुलिस वन रेंज के अधिकारी भी पहुंच गए हैं। गुलदार को पकड़ने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, टीम से पैनिक ना होने के लिए कहा जा रहा है। वहीं इस खबर पर संवाददाता शिवम जुड़ चुके हैं। शिवम, क्या कुछ स्थिति अभी देख पा रहे हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन किस हद तक अभी पूरा किया गया है? को बता दो, ये हादसा जो है कल दिन में देखा गया था कि गुलदार जो है आबादी भरी क्षेत्र में दिखाई दिया, और उसी वक्त जो है पुलिस द्वारा और जो वन विभाग द्वारा जैसे कार्रवाई की गई है, और लगातार अभी भी उसे जो है जो गुलदार है उसे ढूंढने का प्रयास चल रहा है, और कहीं ना कहीं अभी भी वन विभाग की टीम उसमें पूरी जुटी हुई है। जी, सभासद ईश्वर रोथान पर हमला किया है, उनकी किस तरह की स्थिति अभी आप देख पा रहे हैं? हमला ज्यादा खतरनाक तो नहीं था? बिल्कुल बता दूं, जिस तरीके से लोगों की आबादी वाला क्षेत्र था, उस कारण जो है गुलदार एकदम से चिपटा, जो ज्यादा हमला नहीं कर पाया, हल्की फुल्की चोट थी, जिसको लेके जो है प्रशासन और शासन जो है उनको मौके पर जो है उन्हें हॉस्पिटल ले गया, और जो है बिल्कुल ठीक है। जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सभासद ईश्वर उत्थान के ऊपर हमला गुलदार ने किया, हालांकि स्थिति अभी इतनी खतरनाक नहीं है, लेकिन लगातार वन रेंज और पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं। तो पार समाचार की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में बीते 24 घंटे में मिले 128 मरीज, वहीं दो मरीजों की मौत। तीरथ सिंह ने ली कैबिनेट की बैठक, चारधाम यात्रा पर लगी मुहर। हरिद्वार में मेडिकल स्टोर्स पर मिल रहा है युवाओं को जहर, प्रतिबंधित दवाओं की धड़ल्ले से हो रही बिक्री। बीजेपी ने हर की पौड़ी का कराया शुद्धिकरण, कांग्रेस ने इसी स्थल पर किया था प्रदर्शन। भादराबाद में पुलिस चला रही ड्रग्स जागरूकता अभियान, सीएलजी सदस्यों के साथ हुई गोष्ठी, नशे की रोकथाम को लेकर चर्चा। खबरों की शुरुआत करते हैं पार समाचार के साथ। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 128 नए मामले सामने आए, वहीं दो मरीजों की मौत हुई है। इसके अलावा आज 228 मरीज को ठीक होने के बाद घर भेजा गया। प्रदेश में अब तक कोरोना के कुल संक्रमितों की संख्या 3,39,373 हो गई है, इनमें से 3,23,855 लोग ठीक भी हो चुके हैं। वहीं सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 2,627 पहुंच गई। प्रदेश में कोरोना के चलते अब तक कुल 7,083 लोगों की जान जा चुकी है। तो प्रदेश में उत्तराखंड में कोरोना की स्थिति पर नजर आप देख सकते हैं कि सक्रिय मामले जो हैं वो घटकर 2,627 पर पहुंच गए हैं, वहीं 7,083 लोगों ने कोरोना के चलते जान गंवाई है अभी तक। वहीं इस खबर पर इंतजार रजा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इंतजार, क्या कुछ स्थिति कोरोना की आप देख पा रहे हैं? लगातार हाईकोर्ट की तरफ से भी फटकार भी लगाई जा रही है कोरोना के मामलों को लेकर, हालांकि मामले कम हो रहे हैं, लेकिन तीसरी लहर को लेकर चिंता जाहिर की जा रही है। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, वैसे जो कोरोना की लहर है, जो कोरोना का संक्रमण था, वो उत्तराखंड हरिद्वार में भी कम होता नजर आ रहा है। तो वहीं जो सरकार की जो नीतियां हैं, जैसे चारधाम यात्राएं हो गई और अन्य जो भी प्रभावी यात्रा है या कोई समायोजन है, तो उनकी परमिशन भी लगातार देने पर सरकार विचार कर रही है। तो कहीं ना कहीं एक बार फिर सरकार फिर से घेरे में इस संबंध में आ सकती है। तो हाईकोर्ट की ओर से कई बार सरकार को फटकार भी लगाई गई है कि जो चारधाम यात्रा को लेकर के भी जो इस तरह की एसओपी और फैसले सरकार ने लिए थे, तो सरकार को फिर अपना फैसला वापस लेना पड़ा था। तो वही हरिद्वार में जिस वक्त महाकुंभ हुआ है, तो कोरोना की महामारी अपने प्रचंड रूप में थी, तो सरकार ने फैसला लिया था कि एक महाकुंभ कराया जाएगा। तो इसी क्रम में जो उत्तराखंड में एक बार फिर कोरोना की जो भयंकर परिणाम थे वो भुगतने पड़े सरकार को और लोगों को, तो सरकार को फटकार लगाई गई है हाईकोर्ट की ओर से भी। तो
जो जिला प्रशासन हरिद्वार के अधिकारी है वो तीसरी लहर को लेकर सचेत है और जिलाधिकारी हरिद्वार ने जो वर्चुअल जो मीटिंग है वो सभी अधिकारियों के साथ की है और चिंता जाहिर की जा रही है और आज जो निपटने की जो तैयारियां हैं, जो योजनाएं हैं वो बनाई जा रही हैं। अब देखना होगा कि जो योजनाएं हैं क्या प्रभावी होगी या नहीं होगी, तो आने वाले समय में इस चीज को देखने मिलेगा। जो सरकार ने जो योजना बनाई है, जो जिला प्रशासन के लोगों ने, जो अधिकारियों ने जो योजनाएं बनाई है इस तीसरी लहर से निपटने के लिए, कितनी प्रभावी होंगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया इंतजार हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो तीसरी लहर को लेकर हालांकि चिंता जताई जा रही है, लेकिन दूसरी लहर में केसेस कम आ रहे हैं, लेकिन तीसरी लहर घातक ना हो इसको लेकर हाईकोर्ट लगातार, नैनीताल हाईकोर्ट ने भी फटकार लगाई थी उत्तराखंड सरकार को कि कहीं ना कहीं तीसरी लहर को सचेत रहे उसको लेकर और तैयारियां दुरुस्त करे। वहीं कैबिनेट की बैठक में सरकार ने 3 जिलों के लोगों के लिए 1 जुलाई से चारधाम यात्रा शुरू करने पर मोहर लगा दी है। वहीं बैठक में 3 पर्वतीय जिलों के लिए बाढ़ मैदान परिक्षेत्र पर भी फैसला लिया गया। बैठक में चारधाम सहित कुल 11 प्रस्ताव आए, जिनमें से चीनी मिलों से संबंधित प्रस्ताव पर मंत्री के अनुपस्थित होने की वजह से फैसला नहीं लिया गया, जबकि अन्य 10 प्रस्तावों पर फैसले ले लिए गए हैं। बैठक के बाद शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने कैबिनेट में लिए गए फैसलों की जानकारी दी। प्रदेश कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता के चयन में अब जातीय संतुलन शायद ही साधा जा चुका है। अलबत्ता क्षेत्रीय संतुलन को लेकर पुराने फॉर्मूले को ही दोबारा दोहराया जा सकता है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का चयन जल्द होने की उम्मीद है। डॉक्टर इंदिरा हृदेश का बीते 13 जून को निधन होने से प्रदेश कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता का पद रिक्त हो गया है। डॉक्टर इंदिरा हृदेश को नेता प्रतिपक्ष बनाकर पार्टी प्रदेश के भीतर जाति और क्षेत्रीय दोनों ही संतुलन को बखूबी साधने में सफल रही थी। इंदिरा के नहीं रहने के बाद पार्टी के सामने ये दिक्कत खड़ी हो गई है। डॉक्टर इंदिरा हृदेश के बाद अब नेता प्रतिपक्ष के तौर पर किसे चुनेगी कांग्रेस विधानमंडल दल, इस पर चर्चा की जा रही है। तो नेता प्रतिपक्ष का चयन जल्द होने की उम्मीद है। वहीं इस खबर पर हमारे संवाददाता शुभम जुड़ चुके हैं। शुभम, नेता प्रतिपक्ष का चयन जल्द होगा, लेकिन किन नामों की चर्चा हो रही है? जी बिल्कुल, बता दो, वैसे कांग्रेस अपने में बहुत बड़ी पार्टी है, लेकिन कहीं ना कहीं अब चुनाव नजदीक आ रहा है और एक इंदिरा हृदय जो एक बहुत बड़ा चेहरा थी नेता प्रतिपक्ष का, वो कहीं ना कहीं अब कमी खलती दिख रही है। उसी कड़ी में देखा जा रहा है कि सूर्यकांत धस्माना जी का नाम भी काफी आगे सुर्खियों पे चल रहा है, कहीं ना कहीं अब अगला चेहरा उन्हीं को देखा जा रहा है जो नेता प्रतिपक्ष की तैयारी में है। जी इनका चेहरा देखा जा रहा है, लेकिन क्या इसके अलावा भी, क्योंकि जो इंदिरा हृदेश को हमने जब देखा था तो उन्होंने जातीय समीकरण साधने की, साथ ही साथ पक्ष और विपक्ष दोनों को लेकर चलने वाली वो नेता थी और संतुलन बनाकर चलने वाली नेता थी, तो उनको साधने के लिए एक सफल नेता का या नेत्री का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो इंदिरा हृदेश का विकल्प अब कांग्रेस कमेटी निकाल रही है। हालांकि इंदिरा हृदेश की जगह किसे उस पद पर विराजमान किया जाता है ये देखने वाली बात होगी। वहीं कई दिनों से अज्ञातवास में चल रहे प्रदेश के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज अचानक जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे, जहां पहुंचकर मंत्री ने मल्ला महल का निरीक्षण भी किया। साथ ही वो ऑनलाइन माध्यम से कैबिनेट बैठक से भी जुड़े। मल्ला महल के निरीक्षण के दौरान उनकी मुलाकात फिल्म अभिनेता मनोज वाजपेयी से भी हुई। मनोज वाजपेयी और सतपाल महाराज के बीच काफी देर तक बातचीत हुई। बताया जा रहा है कि फिल्म अभिनेता मनोज वाजपेयी जमीन की रजिस्ट्री के लिए यहाँ कलेक्ट्रेट कार्यालय में पहुंचे थे। मल्ला महल का जो प्रोजेक्ट है ये पूरा हो और कुछ पैसे की दरकरार है, उसका भी हम इंतजाम करेंगे और बहुत अच्छा यहाँ सांस्कृतिक केंद्र बनेगा। अभी यहाँ पर जो है मनोज वाजपेयी जी से भी हम मिले तो उन्होंने भी कुछ विचार हमें दिए हैं, सबको समाहित करके हम चाहेंगे कि आकर्षण का केंद्र बने। कांग्रेस द्वारा सुभाष घाट हर की पौड़ी पर किए गए आवास स्थल का भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गंगा जल छिड़क कर शुद्धिकरण किया। साथ ही ब्राह्मणों के द्वारा मंत्र उच्चारण भी कराया गया। भाजपा जिला अध्यक्ष डॉक्टर जयपाल सिंह चौहान के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम में कांग्रेस के उपवास रूपी नाटक की निंदा की गई। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष डॉक्टर जयपाल सिंह चौहान ने कहा कि इस देश में जो लोग लोकतंत्र के विरुद्ध रूप से हत्यारे हैं और उनको यह अधिकार किसने दिया कि वो विश्व प्रसिद्ध तीर्थ स्थल पर यानी कि हर की पौड़ी पर आकर उपवास करें और अपने भ्रष्टाचार को छुपाने का नाटक करें। उन्होंने अपने इस उपवास के लिए जनता से माफी मांगनी चाहिए।
ऋषिकेश के श्यामपुर क्षेत्र में जिला पंचायत सदस्य संजीव चौहान की सराहनीय पहल सामने आई है। उन्होंने आंगनबाड़ी में पढ़ने वाले नौनिहालों की पढ़ाई के लिए मेज कुर्सी की सौगात दी। आंगनबाड़ी के नौनिहालों के लिए फर्नीचर मिलने पर आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों ने संजीव चौहान का आभार व्यक्त किया। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों ने कहा कि अब नौनिहालों को जमीन में नहीं बैठना पड़ेगा। अभी वर्तमान मैंने एक टारगेट बना रखा है, मेरे जिला पंचायत क्षेत्र में जितनी आंगनबाड़ियां हैं वहाँ पे बच्चा नीचे नहीं बैठेगा। और क्योंकि दरी में बैठ रहा है बच्चा, गंदगी में बैठ रहा है, अगर उसके लिए साफ़ सफाई नहीं होगी तो बच्चा आगे क्या सीखेगा, क्या पढ़ेगा। तो मेरा टारगेट ये है कि हर आंगनबाड़ी में फर्नीचर, अलमारी, और उसके बाद दूसरा टारगेट मेरा है कि जितने मेरे यहाँ प्राइमरी स्कूल हैं वहाँ पर जो बच्चे नीचे बैठते हैं वहाँ फर्नीचर दूंगा मैं, और इन आंगनबाड़ी और जो सरकारी स्कूल है इनकी व्यवस्था सुधारने में मैं काम। जोशीपट के कहंगरिया हेमकुंड ट्रैक रूट पर फंसे दो ट्रैक्टर्स का डीजीपी के आदेश के बाद एसडीआरएफ और स्थानीय पुलिस द्वारा पता लगा लिया गया है। खबर मिली थी कि कहंगरिया हेमकुंड ट्रैक रूट पर में दो विदेशी सहित चार ट्रैक्टर ट्रेनिंग के लिए निकले थे, जिसमें से दो वापस आ गए, लेकिन एक विदेशी ट्रैक्टर सहित दो ट्रैक्टर लापता हो गए, जिसमें कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। रेस्क्यू टीम इंचार्ज की ओर से सैटेलाइट फोन से कंट्रोल रूम को सूचित किया गया। गहन सर्चिंग के उपरांत दोनों ट्रैकर हेमकुंड के करीब मिल गए हैं। हरिद्वार में चलाए जा रहे ड्रग्स जागरूकता सप्ताह के तहत गोष्ठी का आयोजन किया गया। सहायक पुलिस अधीक्षक और सीओ के नेतृत्व में सीएलजी के सदस्यों के साथ गोष्ठी की गई। सीओ विशाखा अशोक भड़ाने के द्वारा क्षेत्र की समस्याओं के संबंध में जानकारी ली गई। इसके साथ ही सभी को नशे से होने वाले दुष्प्रभाव से होने वाले विपरीत परिणामों के संबंध में बताया गया। किस तरह नशे की रोकथाम करने वाली पीढ़ी को बचाया जा सकता है, इस पर भी चर्चा की गई। हरिद्वार के पथरी थाना क्षेत्र में बने मेडिकल स्टोर में कई दिनों से नशीली और प्रतिबंधित दवाओं की धड़ल्ले से बिक्री की जा रही थी। जब इसकी भनक ड्रग्स विभाग को मिली तो तत्काल ड्रग्स इंस्पेक्टर ने वहां छापा मारा। क्षेत्र में मौजूद एक मेडिकल स्टोर के अंदर जब टीम पहुंची तो मामला चौंकाने वाला था। दुकान के बाहर लगे बोर्ड पर MBBS डॉक्टर गर्ग लिखा था। वहीं जब अंदर पहुंचे तो एक राजकुमार चटर्जी नाम का एक व्यक्ति लोगों को दवाएं दे रहा था। सिर्फ यही नहीं बल्कि टीम को उस मेडिकल स्टोर से 10,000 से भी ज्यादा की में प्रतिबंधित और नशीले दवाएं बरामद हुई हैं। हाँ, मुझे धनपुरा और घिसपुरा से लगातार शिकायतें मिल रही थी कि यहाँ पर कुछ दवाइयाँ जो कि साइकोट्रोपिक ड्रग्स हैं उनका मिसयूज किया जा रहा है, और इसी के चलते मेरे द्वारा आज यहाँ पर सडन इंस्पेक्शन किया गया। और ये जो दुकान है यहाँ पर वहाँ से डॉक्टर गर्ग है और मेरे द्वारा इनके पास जो दवाइयाँ हैं वो चेक की गई, उनसे पूछा गया कि आप अगर डॉक्टर हैं तो अपने कुछ दस्तावेज प्रस्तुत कीजिए। तो इन्होंने अपना जो नाम बताया वो राजकुमार मुखर्जी बताया, जबकि बाहर बोर्ड डॉक्टर गर्ग का लगा हुआ है। और इनके अंदर से मुझे एक पेटी लगभग 1,000 टैबलेट जिसमें अल्प्राजुलम और ट्रामाडोल है जो कि साइकोट्रोपिक ड्रग्स हैं, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर ही दी जा सकती हैं। इनका एक पूरा स्टॉक इनके पास से मिला है मुझे, और ना ही इनके पास कोई लाइसेंस है, ना ही इनके पास कोई डिग्री है। और मेरे द्वारा फिलहाल दवाइयों को कब्जे में लेते हुए और सीज करते हुए आगे की कार्रवाई। ऋषिकेश के श्यामपुर क्षेत्र में फैले अतिक्रमण को हटाने के लिए रेलवे के अधिकारी जेसीबी लेकर फोर्स के साथ पहुंचे। अतिक्रमण हटाने पहुंचे अधिकारियों के साथ स्थानीय लोगों की जमकर नोकझोंक हुई। लोगों की भीड़ देखकर रेलवे की जमीन पर बसे परिवारों को एक सप्ताह का समय देकर रेलवे के अधिकारियों को वापस लौटना पड़ा। वहीं रेलवे की जमीन पर बसे लोगों ने रेलवे के अधिकारियों पर अभद्रता करने का आरोप लगाया है। साथ ही लोगों का कहना है कि रेलवे रसूखदारों पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, जबकि गरीबों को सताया जा रहा है। रेलवे से हमारी बात हुई है तो उनका बोलना हमने नोटिस पहले भेज दिया है, और हमारा ये बोलना कि थोड़ा सा कोरोना के कारण लॉकडाउन लगा हुआ है, और हम ये बोल रहे हैं कि एक महीने के अंदर ही अपने किराए के कमरे की व्यवस्था कर लेंगे, और रेलवे की ज़मीन है हम उसको मानते हैं, और लॉकडाउन के कारण थोड़ा उनको परेशानी है, एक महीने के अंदर ही अपने किराए की कमरे की व्यवस्था कर लेंगे तो इनको छत का एक जरिया मिल जाएगा, और अभी तोड़ेंगे तो ये इनको बरसात भी है लॉकडाउन भी है तो छत नहीं मिल पाएगी।
रुड़की में नीलम टॉकिस के पास कोरोना कर्फ्यू के दौरान अवैध तरीके से चल रहे एक भवन के निर्माण को एसआरडीए विभाग ने सील कर दिया है। सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र में नीलम टॉकिस के पास अवैध तरीके से एक भवन का निर्माण किया जा रहा था, जिसको लेकर कई बार लोगों ने शिकायत की, लेकिन कोई एचआरडीए की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस भवन के अवैध निर्माण को लेकर किसान नेताओं ने भी धरना प्रदर्शन किया और कोतवाली सिविल लाइन में पुलिस को तहरीर भी दी थी। अब एचआरडीए विभाग ने अवैध निर्माण कार्य को सील कर दिया है। सपा नेता राजा त्यागी ने कहा कि विधायक प्रदीप बत्रा के संरक्षण में नीलम टॉकीज के पास भवन का निर्माण चल रहा था। वहीं एचआरडीए सहायक अभियंता धीरेन्द्र सिंह ने कहा कि क्षेत्र में जो भी व्यक्ति बिना नक्शा पास कराए या फिर अवैध तरीके से निर्माण करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मांग कर रहे थे कि ये अवैध निर्माण कार्य जो चल रहा है इसे रोक लगाई जाए, जिसमें हम लोगों ने रुड़की एसडीएम महोदय को, एचआरडी डिपार्टमेंट को, यहाँ तक आखिरी में पुलिस प्रशासन तक को भी सूचना दी। कई बार ऐसे हालात बने कि हमारी इस अवैध निर्माण रोकने में अपनी जान तक जोखिम में डालनी पड़ी। लास्ट में एचआरडीए की सहायता से इस पे निर्माण कार्य पर रोक लगी, क्योंकि ये निर्माण कार्य इसलिए इतने दिनों से चल रहा था, हमारे रुड़की के जो विधायक हैं, विधायक जी का इसमें सीधा सीधा रोल था, और भाजपा मंडल अध्यक्ष अभिषेक चंद्रा जी हैं, जो उनकी ये संपत्ति है, नीलम टॉकीज उनका है, उन्हीं के ही कैंपस के अंदर ये कार्य चल रहा था। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा से सत्ता का दुरुपयोग करती आई है और जिस तरीके से ये संपत्तियां सरकारी कब्जा कर रही हैं, इसमें कहीं ना कहीं उत्तरांचल स्वच्छता कामगार संगठन के अध्यक्ष सतीश पारछा ने 10 सूत्रीय मांग पत्र उत्तराखंड स्वच्छ कामगार संगठन अध्यक्ष राम अवतार राजभर को सौंपा है। अपने मांग पत्र को सौंपते हुए सतीश पारछा ने कहा कि हमने अपनी मांगों को लेकर प्रदेश अध्यक्ष को 10 सूत्रीय मांग पत्र सौंपे हैं। मांग पत्र मिलने पर प्रदेश अध्यक्ष राम अवतार राजभर ने कहा कि मैं विकास नगर ही नहीं संपूर्ण प्रदेश के भ्रमण पर हूँ, कामगार संगठन की जो भी मांगे होंगी उनको मैं स्वयं जाकर मुख्यमंत्री के सामने रखूंगा। मेरे लिए उत्तराखंड में सभी संगठन बराबर है। कोरोना काल में सफाई कर्मचारियों ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। देश के प्रधानमंत्री भी इनकी तारीफ करते हैं। इनकी मूल समस्या है इनको परमानेंट कराना और ठेकेदारी प्रथा को समाप्त करना। हर कर्मचारी की समस्या को देखते हुए मुख्यमंत्री के सामने बातों को रखा जाएगा। देश के प्रधानमंत्री जी भी इनका नाम लेते हैं, सफाई कर्मचारी हमारे योद्धा हैं और कोरोना काल में ये योद्धा काम कर रहे हैं, तो हम चाहेंगे कि क्या कहते हैं इनकी जो मूल समस्याएं हैं इनको परमानेंट कराना, इनको क्या कहते हैं इनकी नौकरी दिलवाना और इनकी और जो क्या कहते हैं विकास कार्य के जो काम है वो कराना, लोन जो क्या कहते हैं ये तमाम लोन अभी अभी हमने क्या कहते हैं लोन भी इन लोगों के सेक्शन कराए हैं, चाहे वो डेली बेसिस का हो, चाहे वो स्वच्छता समिति का हो या और किसी संविदा का हो या फिर वो आउटसोर्सिंग का हो, तो ये अलग अलग जो ठेकेदारी चल रही है इसको हम समाप्त कराने की बात भी कहेंगे सरकार से। प्रदेश अध्यक्ष श्री राम अवतार राजौर जी आ रहे हैं, हम उनका स्वागत कर रहे हैं। उत्तरांचल सूचना कर्मचारी संघ के वो प्रदेश अध्यक्ष हैं और उनका हम स्वागत कर रहे हैं और अपना एक 10 सूत्रीय मांग पत्र है वो हमको दे रहे हैं आज, तो आज उनकी हमारे हमसे वार्ता है और उनकी व्यवसाओं से वार्ता है, तो हम देखते हैं वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, आपका ही मत जाएगा, फिर हाजिर होंगे।